अरिजली को यहाँ मैंने फ्राइडे के लिए रेडी कर दिया था। ब्लैक और ब्लैक कुर्ता शलवार पहनाया था मैंने आरिज को। आरिज बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से ब्लैक कुर्ता शलवार में, और उनको हमेशा नज़र लगती है ब्लैक कुर्ता शलवार में। अच्छा यहाँ पे जो है मैं वैसे मून हेयर ड्रायर करती नहीं हूँ यूज़, लेकिन मेरे हस्बैंड इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर था वो कहते जल्द से जल्द आपके बाल ड्राई हो जाएं ताकि बाल जो है ज़्यादा देर तक गीले ना रहें वरना ठंड लगेगी, और तो इसलिए वो जल्दी जल्दी हेयर ड्रायर कर रहे थे मेरे बालों में ना। यूट्यूब फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आवाज़ से भी पता चला होगा आप लोगों को मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से मिलना ज़रूरी है। कल की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी मैं तो इसलिए मैं आरिस की नहीं आरिस की अलहमदिल्ला सेट है आरिस अली। तो जैसे कि आज फ्राइडे है तो मेरे हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं और आरिस अली जो है जानमाज़ बिछा रहे हैं मम्मा के लिए कि मम्मा मैं आपके लिए जानमाज़ बिछाता तो आप नमाज़ पढ़ लें। तो आज का ब्लॉग जो है मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आरिस जी जानमाज़ बिछा रहे हैं तो हमारा आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, मेरे साथ रहिएगा इस ब्लॉग में, आज जो भी कुछ करेंगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी कज़न सिस्टर की जो है बेटी हुई है तो उससे मिलने भी आ जाऊंगी, तो उसकी वीडियोस भी अगर मुझे परमिशन मिले तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहेगा। वीडियो आज बहुत ही आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की होने वाली है। ये देखें आरिज अली जो है मेरे बच्चे मेरी जान नमाज बिछा रहे हैं मम्मा के लिए ताकि मम्मा जो है नमाज पढ़ लें। आए थे मम्मा के लिए बिछा रहे हो जान नमाज? मेरे साथ पढ़ेंगे नमाज। थैंक यू आरिज अली। आरिज अली जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझसे पढ़ने से पहले नमाज़ शुरू कर दी थी अपनी ताकि वो चीज़ जो है वो विनर हो जाए। यहाँ पर आरिज अली और आरिज अली के बाबा ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी फ्राइडे वाले दिन। आरिज अली इसकी एक अलग ही वो डालते हैं। बोले हेलो फ्रेंड्स। अच्छा तो जी मैं यहाँ बनाने जा रही थी कनौर का चटपटा फ्लेवर रेड वाला। वैसे मैं अमूमन आरिस के लिए बनाती हूँ लेकिन आज मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जैसे कि टेम्परेचर है और मेरे मुंह का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो रहा है तो मेरा ये खाने का दिल चाह रहा था, तो मैं अपने लिए ये बना रही हूँ खाने के लिए। यहाँ पर जो है हमारा चटपटा जो नूडल्स है वो तैयार हो चुका था, यमी यमी सा और देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहा है। ये तो और जब हम मैं अपनी जो मेरे हस्बैंड की कज़न है उनकी बेटी हुई थी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, तो मैं उनके घर गई थी बेटी को देखने। तो बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट है और आरिज अली तो बहुत ही खुश थे जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, गोद में लेके बैठ गए थे बच्ची को और बिल्कुल छोड़ नहीं रहे थे आरिज अली, प्यार कर रहे थे, कह रहे थे मम्मा इसको हम घर ले चलते हैं। लेकिन आरिज अली ने कहा मैं इसको अपनी फीडर नहीं दूंगा, इसकी फीडर हम साथ लिए जाएंगे। तो बहुत खुश थे आरिज अली, किसी को भी नहीं दे रहे थे और मुझे भी नहीं लेने दे रहे थे आरिस। ये देखिए गाइस यहाँ मैं अपनी मेडिसिन जो है लेके आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से और मैं मेडिसिन खा रही हूँ अपनी जी बेटे, और आरिज अली जो है मुझे मेडिसिन खिलाएंगे। आरिज अली खोल के देंगे ना मम्मा को? आप दोगे खोल के मम्मा को मेडिसिन? अच्छा ये मम्मा को खोल के दो जल्दी से। तो जी गाइस इसी के साथ जो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि आज भी तबीयत सेट नहीं है तो इसलिए मैं खुद से आके आप लोग को हाफिज़ नहीं कह पाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मेरी इस एपिसोड को पसंद कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।